नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां 5 दिवसीय यज्ञ कर्म कांड एवं डफली प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। साथ ही बात होगी फिरोजाबाद की, जहां दबंगों के हौसले बुलंद, अश्लील गाने बजाने का विरोध करना एक परिवार को पड़ा भारी। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। गायत्री प्रज्ञा मंडल आमदीम से शुभारंभ हुआ। अखिल विश्व गायत्री परिवार के मार्गदर्शन में प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के प्रशिक्षण के लिए लक्ष्मी साहू कुमारी, ममता निषाद कुमारी, लोकेश्वरी साहू, परम पूज्य गुरुदेव, युग ऋषि तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा, आचार्य वंदनीय माताजी, मां गायत्री के सूक्ष्म संरक्षण में छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर गुरुदेव माताजी मां गायत्री मंत्र का आवाहन किया गया। नगर पंचायत के प्रथम नागरिक हेमंत माला जी, आदरणीय तीर्थ राम साहू, विष्णु साहू, रामाश्रय साहू, हीरा लाल साहू इत्यादि लोग मौजूद थे। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। फरुखाबाद लोकसभा मतगणना नजदीक आते ही सातनपुर मंडल में रखी ईवीएम की सुरक्षा में आज सपा के जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव और जिला उपाध्यक्ष सिराजुल आफाक, युवजन सभा जिला उपाध्यक्ष शेख फुरकान अहमद, समाजसेवी अधिवक्ता सभा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव, एडवोकेट और समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अपने साथियों के साथ ईवीएम निगरानी पर मौजूद रहे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव मतीन खान, तमाम कार्यकर्ता 24 घंटे मुस्तैदी से रहते हैं तैनात। वहीं फरुखाबाद प्रशासन की कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी की निगरानी, 3 तरीके की बैरिकेडिंग और सुरक्षा घेरा 24 घंटे रहता है। सातनपुर मंडी में मौजूद जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सेक्टर मजिस्ट्रेट बारी बारी से राउंडअप करते रहते हैं। फरुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है। यहाँ दबंगों के हौसले बुलंद, अश्लील गाने बजाने का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। दबंगों ने अपनी छत पर खड़े होकर बरसाए ईंट पत्थर। बरसाने के बाद भी पीड़ित के घर लाठी डंडे लेकर दबंग पहुंचे मारपीट करने। घर में घुसकर दबंगों द्वारा महिला और उसके पति को जमकर पीटने का आरोप। महिला और उसके पति को बचाने आए परिवार के अन्य लोगों के साथ भी दबंगों ने मारपीट की। मारपीट में पति पत्नी को आई चोटें। पुलिस ने मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा। आए दिन दबंग पीड़ित परिवार को गाली गलौज करते हैं। थाना पछोकरा के गांव जोगपुरा का मामला है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। हरदोई जिले के लखनऊ रोड पर स्थित बालाजी मंदिर जेठ के पहले मंगलवार में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। गर्मी अपने रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन श्रद्धालु लंबी लाइनों में लगकर लखनऊ रोड प्रतिष्ठित बालाजी मंदिर में घंटों लगकर दर्शन पा रहे हैं। बालाजी मंदिर के महंत के द्वारा बताया गया कि प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था के लिए अपील की गई थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं कराई गई, लेकिन प्रशासन की ओर से एक आश्वासन जरूर दिया गया है। अगले मंगलवार तक प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण में रखा जाएगा। जैसा कि आज बड़ा मंगलवार है और इस विषय में क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या जो है हरदोई से सीनियर संवाददाता शिवांश की रिपोर्ट। कोलारस जनपद पंचायत क्षेत्र के चक्रा गांव में श्रीमद् भागवत पुराण के 7वें दिन आचार्य देवेंद्र शास्त्री ने भागवत कथा का महत्व बताते हुए कहा, जो व्यक्ति प्रतिदिन भागवत गीता का पाठ करता है, भगवत गीता का पाठ करता है या सुनता है, उसके जीवन से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। इतना ही नहीं, आत्मबल और व्यक्ति साहसी निडर बनकर अपनी सफलता पूर्वक निर्वाह करता है। श्रीमद् भगवत कथा में भगवान श्री कृष्ण को सभी देवों के स्वयं भगवान के रूप में दर्शाया गया है। भगवत कथा में रसभाव की भक्ति बताते हुए भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का वर्णन किया है, जिसे सुनकर मनुष्य मोक्ष की गति को प्राप्त होता है। भागवत कथा का श्रवण करके ही राजा परीक्षित को मुक्ति प्राप्त हुई थी, इसी बात का आज कलयुग में प्रमाण मिलता है। श्रीमद् भागवत कथा का महत्व बताते हुए सत्संग और कथा के माध्यम से ही मनुष्य भगवान के चरणों में पहुंचता है, नहीं तो मोह माया से भरी दुनिया के चक्कर में मनुष्य जीवन को व्यर्थ में गंवा देता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ओपी भार्गव, डॉक्टर सोहन गौड़,
माखन गोस्वामी, देवी सिंह डॉगी और आचार्य देवेंद्र शास्त्री का श्रीफल स्वॉल देकर स्वागत किया गया और भागवत मंच से आशीर्वाद लिया गया। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।